सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे और अपना जो हिंदी का होमवर्क है अच्छे से कर रहे होंगे। आप प्लीज होमवर्क को चेकआउट करने के लिए वापस सेंड करें। आज हम कक्षा 12th विषय हिंदी आपकी बुक का नाम आरोह भाग 2 काव्यखंड से कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता करवाने जा रहे हैं। कुंवर नारायण जी की कविता करवाने से पहले हम पहले कुछ कुंवर नारायण जी के बारे में बताना चाहेंगे। कुंवर नारायण जी नई कविता के कवि रहे हैं। कुंवर नारायण जी नई कविता के कवि रहे हैं, आधुनिक युग के कवि। इनका जन्म है ना उत्तर प्रदेश के फैजाबाद गांव में हुआ था और इन्हें घूमने फिरने का काफी शौक था। ये अलग अलग देशों में इन्होंने यात्रा भी की है। इन्होंने जो कविताएं लिखी है ना, पहले ये इंग्लिश में कविताएं लिखते थे, अंग्रेजी माध्यम से लिखते थे, लेकिन बाद में ये हिंदी माध्यम से कविताएं लिखने लगे। कुंवर नारायण जी जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और सद्दल नामक कई पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, इनको सम्मानित किया गया उन पुरस्कार से। इनकी जो रचनाएं रही हैं, इन्होंने अगेत जी द्वारा संपादित तार सप्तक में अपनी अनेक कविताएं लिखी हैं और जो इनकी कविताएं हैं उनमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो साधारण बोलचाल की भाषा है। इन्होंने खड़ी बोली का, अपनी जो काव्य है कविता है उसमें खड़ी बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। कविता के बहाने पोएम में वो कविता के माध्यम से इस जो कविता में वो क्या दर्शा रहे हैं, जो कविता के द्वारा इंसान अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकता है। आजकल जो आधुनिक युग है इसमें जो कविता का अस्तित्व है वो समाप्त होता जा रहा है, लेकिन वो इस अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कविता किस प्रकार अब भी असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कविता में जैसे भावों की अभिव्यक्ति है या उसमें कैसे भाव व्यक्त करने हैं, कैसे उसने अपने विचार और सुगंध फैलानी है, समथिंग, वो एक उसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें वो चिड़िया की यात्रा से अपनी कविता आरंभ करते हैं और बच्चे पर खत्म कर देते हैं। जैसे चिड़िया की उड़ने की एक सीमा होती है, उसके बाद वो उड़ नहीं पाती, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। वैसे ही वो फूल के माध्यम से भी ये दर्शाना चाहते हैं, जैसे फूल है एक खिलता है लेकिन अंत में वो मुरझाकर झड़ जाता है, लेकिन कविता की जो सुगंध है, महक है, वो असीम है, अपार है, वो कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद वो बच्चे, जैसे बच्चों का खेलना असीम होता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती कितना खेलना है, जो उनके सपने हैं, तरंगे हैं वो कितनी है, क्या करना उन्हें, उनकी उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। वैसे ही कविता की भी कोई सीमा नहीं होती, उसमें कैसे भाव की अभिव्यक्ति होती है वो सब इसमें दर्शाया गया है। तो आइए आज हम इसका फर्स्ट और सेकंड स्टंजा करेंगे। तो यहाँ कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर चिड़िया की यात्रा यानी चिड़िया के जो उड़ना है उसके माध्यम से ही कविता के महत्व को दर्शाया गया है। कहते हैं कविता की अपार शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता क्या है, एक उड़ान है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया की एक सीमा होती है, चिड़िया के बहाने जैसे चिड़िया उड़ती है, वैसे ही कविता की एक उड़ान होती है। चिड़िया का उड़ना, उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन जो कविता की जो उड़ने की सीमा है, उड़ान है, वो एक अपार है, असीम है। कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। कविता ने अपनी महक को, अपनी उड़ान को कहां तक ले जाना है, कहां के, यहां पर बैठे बैठे आप कहीं के भी कैसे ही भाव व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है कि आपको इस क्षेत्र तक ही उड़ना है या आप यहाँ केवल इस जगह की ही अपनी कविता में भाव व्यक्त कर सकते हैं। कविता में आप यहाँ बैठे कहीं के भी भाव व्यक्त कर सकते हैं, बस कविता में भावों की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन चिड़िया इस चीज को नहीं जान सकती, क्यों, क्योंकि चिड़िया की तो एक सीमा है, बाहर भीतर इस घर उस घर। कहते हैं कि जो कविता है, कविता केवल घर के अंदर की या
कविता के माध्यम से हम घर के अंदर की समस्या को भी उजागर नहीं कर सकते, बल्कि बाहर का जो मार्मिक वातावरण है उसकी भी प्राकृतिक सुंदरता उसका भी वर्णन कर सकते हैं। अर्थात वह यहाँ की यानी अपने घर की और बाहर के वातावरण की सभी का वर्णन हम कविता के माध्यम से कर सकते हैं, यानी इस घर उस घर बाहर भीतर, इस घर से उस घर की, बाहर और भीतर की, यानी जो आंतरिक वातावरण है घर का, जो आंतरिक मोल है, बाहर का जो वातावरण है प्राकृतिक सुंदरता, उसका वर्णन हम कविता के माध्यम से कर सकते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता में कल्पना के पंख लगाकर वह कहीं भी उड़ सकती है, यानी कि हम कल्पना के माध्यम से कविता में कहीं की भी भाव, किसी भी प्रकार के भाव को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को चिड़िया क्या जान सकती है? क्यों? चिड़िया ने तो हमेशा ही एक सीमित क्षेत्र में अपनी उड़ान भरी है, लेकिन कविता जो चिड़िया है वो कविता के जो कल्पना के पंखों की उड़ान को नहीं जान सकती। आई थिंक इस व्याख्या में कोई भी ऐसी वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए हो। ऑल ओवर इसमें क्या क्या गया है कि इसमें कविता की जो कल्पना की उड़ान है वो असीम है और चिड़िया की जो उड़ान है वो ससीम, इनकी एक सीमा है। ठीक है, इसमें जैसे कि कविता के पंख, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, चिड़िया का जाने प्रसन्ना अलंकार। इसमें मानवीकरण भी किया गया है क्योंकि कविता को चिड़िया के माध्यम, जैसे चिड़िया होती है उड़ती है, वैसे ही कविता को, कविता में भी मानवीकरण किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, इस घर उस घर बाहर भीतर, इसमें क्या अनुप्रास अलंकार जो आप विशेष में डालेंगे वो यही डालना आपने कि ये दो तीन लाइनें रूपक अलंकार की, प्रसन्ना अलंकार की, मानवीकरण की, अनुप्रास अलंकार की। भाषा कौन सी है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में कुंवर नारायण की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। इन्होंने साधारण बोलचाल के जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं या संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया है। कोई वर्ड आ गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी कविता को इन चीजों से बोझिल नहीं होने दिया है। विशेष के बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता यहाँ पर कविता के अपार शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कविता का खिलना किसके समान है? फूलों के समान। जिस प्रकार फूल खिलता है और लास्ट में क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल खिलकर भी अपनी सुगंध फैला सकता है, लेकिन जो कविता की सुगंध है, भावों की सुगंध है, महक है, वो अपार है, वह चीज फूल नहीं जान सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल खिलकर मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद जो उसकी सुगंध है, महक है, वो खत्म हो जाती है। इस बाहर भीतर की जो खुशबू है उसको फूल नहीं जान सकता, लेकिन कविता की जो फूल है, सुगंध है, कविता अपनी जो भावों की सुगंध है, वो महक को वो बाहर बाहर भी फैला सकती है और बाहर भी फैलाती है और भीतर भी, वो हर जगह अपनी सुगंध फैलाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल जब तक मुरझा नहीं जाता तो वह सुगंध नहीं फैला सकता। मुरझाया फूल जल सुगंध देता है, लेकिन इस चीज को फूल नहीं जान सकता। जैसे कविता है, कविता अपने भावों की सुगंध को, महक को हर जगह फैलाती है, भले ही कविता पुरानी हो लेकिन उसके जो खुशबू है वो हमेशा कायम रहती है, इस चीज को फूल नहीं जान सकता। आई थिंक ये दोनों वाक्य बहुत इजी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी आप, लेकिन इनके विशेष जो है वो आप अलग लिखेंगे। फर्स्ट स्टेंजे का आप प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या विशेष संकेत लिखेंगे। सेकंड स्टेंजे में आपको प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप व्याख्या और विशेष लिखेंगे। विशेष में आप अलंकार अपने आप छाट के लिखेंगे, मैंने फर्स्ट स्टेंजे में आपको बता दिए गए हैं। आई थिंक आपको ये दोनों व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।